दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बीजी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आज मैं आया हूँ बैजरों के पास, जो एक गांव है सुकई, काफ़ी बड़ा गांव है। और फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है उसके आंगन में, और यहाँ से लगभग आधा सुकई गांव तो दिखाई दे रहा है। और साथ में जो कुंड है वो भी दिखाई दे रहा है, और लगभग सुकई की पूरी सार यहाँ से दिखाई दे रही है। वो है कुंड गांव। तो जो बैजरों से आते हुए पहला तोलियों और उसके बाद जो गांव पड़ता है वो है कुंड, देखिए। और इधर पूरी सार है ये सुकई की। ये कच्चा जो रास्ता, ये सड़क है यहाँ का, कच्ची सड़क। और ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल, बहुत ही प्यारा स्कूल है। अच्छे से यहाँ पे गेट पे बहुत बढ़िया दो पौधे जो है, पेड़ लगे हुए हैं, इनके फूल हैं जो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से सुबह का जो है मज़ेदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो जो ये सुकई गांव है, यहाँ पे जो प्रवेश करना है अगर आपको, तो बहुत सारे रास्ते हैं। जो नीचे मेन रास्ता है, जो बैजरो थलीसैंड मार्ग नेशनल हाईवे है, उससे लगभग एक तो कच्ची रोड आती है, फिर एक आगे मंदिर के पास से रास्ता आता है जिसपे हम यहीं पे मिलता है, और तीसरा जो मेन रास्ता है आगे बिल्कुल गांव के नीचे से, तो वहां से भी आप ऊपर चढ़ सकते हैं। तो हमें एक्चुअल में यहां पे जो दोस्त का बगीचा है तो वहां पे आना था, इसलिए हम शॉर्टकट वाले रास्ते से आ गए। खेत इस टाइम पे धीरे धीरे करके फसल से भर जाएंगे कुछ दिन में। अभी कुछ कुछ जो फसलें हैं उनकी बालियां निकल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती है थोड़ी बहुत। देखिए काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं इस यहाँ सुकई के जो हैं, बहुत दूर दूर तक। और ये है झंगोरा, देखिए झंगोरा लगभग अब कुछ दिन में पक जाएगा। और नीचे सुकई की एक गाड, काफ़ी पानी है इसमें। तो जो पट्टी बंगारसी है उसका लगभग सबसे बड़ा गांव है सुकई। जीवई भी है, लेकिन जीवई और सुकई लगभग बराबर ही गांव है। और जो पट्टी बंगारसी के थोकदार हैं उनका गांव है ये सुकई, और लगभग नानसियों से और भगवती तलिया तक फैला हुआ है ये पट्टी बंगारसी। और ये है कौणी, एकदम झंगोरे की तरह होती है, थोड़ा सा काफ़ी टेस्टी स्काटा होता है और पौष्टिक भी होता है। तो झंगोरा और कौणी लगभग पकने की कंडीशन में आ गए, और यहाँ पे मिर्च भी लोगों ने लगाई हुई है। और ये घर है शायद बंद पड़ा हुआ है, अखरोट के पेड़ भी हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो लगभग जो लोकल मार्केट है आसपास, बैजरो, जीवई, कनेरा, फरसाड़ी, इनमें यहाँ से काफ़ी सब्जी ये रोज़ जाती हैं। तो दूर से दिख रहे हैं टमाटर वगैरह। तो कद्दू है, और ये गुदड़ी है या तोरी है पता नहीं, फूल लगभग दोनों के एक जैसे। और यहाँ पे टमाटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार शायद टमाटर की फसल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। पहली बार हम टमाटर वाले गेट से घुसे जिंदगी में। लोग फूल लगाते हैं, इस बार मेरे रास्ते में टमाटर लगाए गेट बनाने के लिए। तो अभी हम हैं बिल्कुल बगीचे के बीचों बीच, और देखिए हमारे आसपास पूरे टमाटर ही टमाटर। तो एकदम ताज़े टमाटरों की आपको अगर ज़रूरत हो
तो आप संपर्क कर सकते हैं। मिस्टर जितेंद्र रावत, ग्राम सुकई। क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई साहब। प्रणाम भाई साहब। छतुर के ले लियो यार। अच्छा आज गांव से। अच्छा गांव को लियो थे। तो कहा जाता है जहां चाह वहां राह। तो ये जो बगीचा है सिर्फ एक खेत में है और लगभग यहाँ से और लास्ट तक इसमें लगभग 10 से ज़्यादा प्रकार की सब्जियाँ लगाई गई हैं यहाँ पे, जो हमारा दोस्त है जीतू ने। तो जो लोग पलायन को या कई अन्य चीज़ों को एक बाधा समझते हैं, एक बहाना बनाते हैं, उनके लिए एक सबक है और एक प्रेरणा लेनी चाहिए जितेंद्र से, कि वो लगातार पिछले कई वर्षों से इस अकेले खेत में खेती कर सब्जी उगाते हैं और जो स्थानीय बाज़ार है उनमें सब्जी उपलब्ध कराते हैं और काफ़ी अच्छी वो यहाँ से इनकम भी बना लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत यहाँ पे एक सिंगल खेत में कई तरीके की चीज़ें इन्होंने बोई हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे भिंडी हैं, कुछ चीज़ों पे अभी फल है, सब्जी है और कहीं पर नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे करेला है, ये तो देखिए ये करेले की बेल है, ये यहाँ पे गुदड़ी है, तोरी की तरह जो पहाड़ में गुदड़ी होती है वो है ये। और इसके बाद यहाँ पे तोरी भी है, कद्दू की बेल तो आपको लगभग सारे खेत में मिल जाएगी इधर उधर। फिर यहाँ पे करेला है, तो यानी कि हर चीज़ बदल बदल के यहाँ पे लगाई गई है। आगे आपको शिमला और बैंगन ये सब भी दिखाई देंगे। देखिए ये घिया की बेल भी है, लेकिन अब लगभग घिया तो एंडिंग पे है, शायद इसके अंदर हमें कुछ मिले क्या, देखते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे जो घिया था लौकी उसकी बेल है, तो यहाँ पे अभी है नहीं फल। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही खेत में। तो देखिए वहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहा है उससे आगे तक है ये खेत, और यहाँ से और लास्ट उस कोने तक देखिए सिर्फ एक ही खेत है। गुसाई जी, हम ये लगातार 6-7 साल हो गए सब्जी का काम करते हैं और कंटिन्यू 7 साल से लगे हैं। तो साल में एक ही बार आप ये उगाते हैं या इसके बाद नई फसल फिर बोएंगे? नहीं, हम साल में एक ही बार सीजन करते हैं, वो भी बरसात के टाइम पे लगभग। तो अब जैसे ये फसल समाप्त हो जाएगी तो इसके बाद इस खेत में क्या बोएंगे? इसके बाद हम इसमें सरसों लगा देते हैं, जैसे मार्च तक सरसों एंड हो जाता है तो फिर आप सब्जी लगा देंगे। फिर उसके बाद मार्च से स्टार्ट हो जाता है सब्जी का काम शुरू। तो जैसे बीज, खाद है या कीटनाशक वगैरह वो कहाँ से लाते हैं? बीज तो हम हिमाचल जाते हैं, हिमाचल से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोलन खुद ही हम जाते हैं और बीज लेके आते हैं। तो टमाटर तो काफ़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब पूरे जो आपका बगीचा है उसमें, लेकिन जो और चीज़ें जैसे बैंगन वगैरह ये कम दिखाई दे रहे हैं। इस बार थोड़ा फसल की बीमार हो गई हल्की सी, और फिर लास्ट भी इनका सीजन है तो बैंगन के पेड़ भी सूख रहे हैं और टमाटर भी थोड़ा सूख गया, अब लास्ट कगार पे है। तो क्या जो ये काम आप करते हैं इसमें क्या क्या दिक्कतें खास रहती हैं? दिक्कतें एक तो पानी की सबसे ज़्यादा परेशानी है,
क्योंकि पाइप द्वारा बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, पाइपों से पानी देना बहुत ज़्यादा हार्ड है। और उसके अलावा बंदरों की दिक्कत, चौकीदारी सबसे मेन। तो अकेले ही आप यहाँ पे काम करते हैं या कोई और भी है आपके साथ? नहीं, अकेला ही करता हूँ, घर वाले कभी कभी इक्का दुक्का बार आ जाते हैं हल्के फुल्के। तो इन सब के बीच में लगभग जो ये सीजन होता है आपका 4-5 महीने का, इसमें आप कितने की जो सब्जी है वो बाजार में उपलब्ध करा देते हैं? मैं पैसों की बात कर रहा हूँ कि कितना। ये अगर सीजन सही रहा तो कम से कम 1-1.5 लाख के बीच चला जाता है, और अगर सीजन डाउन रहा तो फिर 70-80 तक ही लगभग। तो जैसे 1.5 लाख की आप सब्जी अगर यहाँ से बाजार में बेचते हैं, हाँ, तो प्रॉफिट आपका ठीक ठाक हो जाता है या? हाँ सही है, अकेले के लिए तो अच्छा ही है सीजन, लेकिन अगर कंबाइंड में करेंगे तो फिर थोड़ा टफ होगा। तो और खेतों में जैसे आप किसी को साथ लेके करें तो और खेतों में भी किया जा सकता है? हाँ हाँ, जरूर किया जा सकता है। उसमें ये है कि जितना माल होगा उतना पैसा होगा, प्रोडक्शन का हिसाब है। तो जो ऐसे बाजार में आप का आसानी से बिक जाती है सब्जी, या उसमें भी दिक्कतें आपको आती हैं? हाँ, उसमें भी दिक्कत है क्योंकि यहाँ मार्केटिंग नहीं है, लोग कम हैं, इसलिए इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आती है। तो जैसा कि गांव आपका जो सुकई है, काफ़ी बड़ा गांव है ये, तो आपकी तो गांव में भी काफ़ी सब्जी बिक जाती होगी? हाँ, कम से कम 70-80 परिवार से ज़्यादा है, और सब्जी थोड़ा थोड़ा लोकल में भी जाती है और मार्केट में भी जाती है। तो ऐसा होता है कि यहाँ से बाहर भी सप्लाई होती है, जैसे रामनगर वगैरह भी, क्योंकि इस टाइम पे टमाटर बाहर का जो टमाटर वगैरह वो आना बंद हो जाता है लगभग? हाँ हाँ, इस समय तो हमने लगभग सप्लाई ज़्यादा नहीं किया रामनगर, लेकिन पिछले गत वर्षों में हमने 2-4 बार रामनगर मंडी में भी माल को सप्लाई किया था। तो जो यहाँ पे कृषि विभाग वगैरह है, जो सरकारी महकमा, उससे कुछ आपको प्रशिक्षण या किसी तरीके की कुछ सहायता होती है, उपलब्ध होती है? प्रशिक्षण तो किसी ने नहीं दिया अभी तक, लेकिन 10,000 का पुरस्कार दिलाया गया था कृषि विभाग से। इसमें सभी है, ये टमाटर सबसे ज़्यादा होता है, टमाटर है, ये शिमला मिर्च है, और बैंगन है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, तोरी है, गुदड़ी है, लौकी है, सभी है, लगभग कद्दू है। आपके जो खेत हैं, आपने कहा ऊपर वाला भी आपका खेत है, और ऐसे ही आपके खेत इधर उधर पूरी जो ये सार है, काफ़ी दूर तक सार है आपके, लगभग 1-1.5 किलोमीटर? हाँ, 2 किलोमीटर के दायरे में। और जो सामने कुंड गांव है शायद वहां तक, हाँ, लगभग टचिंग है सार है जी। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जैसे 10 या 20 जो भी खेत हैं पूरी सार में, वो अगर एक सामने होते तो क्या उसके बेनिफिट आपको होते, या मतलब अच्छा होता, या ऐसा ही ठीक है बिखराव? नहीं, बिखराव में तो बहुत परेशानी है कि ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा इधर उधर, एक सामने अगर 8-10 खेत हो तो उसमें ज़्यादा अच्छा काम होगा, क्योंकि सब्जी के अलावा कुछ और प्रोसेस भी उसके साथ किया जा सकता है, और जहाँ 1-1.5 लाख का प्रोडक्शन होता है वहाँ 5 लाख का प्रोडक्शन या 10 लाख का प्रोडक्शन हो सकता है। यानी कि अगर खेत एक सामने होते आपको तो इतनी जगह चौकीदारी नहीं करनी पड़ती, बंदर वगैरह जो जंगली जानवर है उनको, उनका मतलब एक हिसाब से जो वो आपको परेशान करते हैं, उस परेशानी से आसानी से निपटा जा सकता है? हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ, इसमें यह है कि जैसे बंदर भी हो तो उसमें चारों तरफ अपनी बाड़ बूड़ करके, थोड़ा पानी की भी दिक्कत नहीं होगी, अगर 8-10 खेत होंगे एक सामने पानी होगा तो लगातार कंटिन्यू पानी चलता रहेगा, चाहे पाइपलाइन से लगाओ चाहे आप ड्रमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जितेंद्र रावत है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे सब्जी उगा रहे हैं, और उन्होंने अपनी परेशानियाँ जो उनकी हैं उनसे भी हमें वाकिफ किया कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो पानी की है, और कई हद तक जो बंदर या अन्य जंगली जानवर हैं उनसे निपटने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और साथ ही यहाँ पे उनका ये अकेला खेत है इसलिए वो अकेले ही खेत में बागवानी या जो ये आपका सब्जी का काम है वो कर पाते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है जो खेती का बिखराव है पहाड़ में उसको लेके। तो यहाँ के काश्तकार की जो भी, ये जितेंद्र रावत की बात नहीं है, इनके अलावा जो भी काश्तकार है उनकी ये बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे चकबंदी नहीं है, खेत एक सामने नहीं है, जो ज़मीनों का बिखराव उसके कारण जंगली जानवरों के साथ निपटा नहीं जा सकता, और पानी की जो व्यवस्था है सिंचाई के लिए वो नहीं की जा सकती। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में अगर खेती को अच्छे सही मुकाम पे ले जाना है, कृषि को उससे अच्छा बेनिफिट एक आजीविका के हिसाब से उसको सेट करना है, तो ज़रूरी है कि यहाँ पे सरकार जल्दी से जल्द चेकबंदी को लागू करे और गांव में जो सार है उसको चेकबंदी के हिसाब से ढाले, ताकि बहुत अच्छे स्तर पे यहाँ पे खेती की जा सके। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह पे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, खासकर चेकबंदी पे अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।